हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो दो तीन दिन से कोई वीडियो नहीं डाल रहा था यार मैं, क्योंकि बुखार था मुझे। तो आज थोड़ा रिकवर हुआ हो तो मुझे लगा कि अभी वीडियो डालना चाहिए, क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं आपके पास। ओके, सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले कि क्या इस साल भी सीईटी सेल कॉपी करेगा। ठीक है, सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना, बीच बीच में स्किप मत करना। ओके, और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया मैंने इसका जवाब जरूर दे देना। ठीक है, जो बच्चा सही जवाब देगा उसको 1000 रुपीज का प्राइस मिलेगा। ठीक है, लास्ट वीडियो में तेजस्विनी नाम की लड़की को ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं लेकिन हर एक बच्चे को प्राइस नहीं मिल पाता, क्योंकि हर एक बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट मैं नहीं कर सकता प्राइस। ओके, और कुछ बच्चे तो कमेंट करने लगे कि भैया मैं हर एक वीडियो में कमेंट कर रहा हूँ फिर भी आप प्राइस नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो ऐसा मत कमेंट किया करो। ठीक है, मैं मेरी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि एक यूनिक बच्चा हर एक वीडियो में निकाल के उसको प्राइस दूँ। ओके, और प्लीज यार प्राइस के लिए इस क्वेश्चन का आंसर मत दो आप। एटलीस्ट ये सारे में PYQ सॉल्व करा के ले रहा हूँ आपसे। ठीक है, तो इसके बहाने आपकी हर एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाती है एटलीस्ट। ठीक है, ये सारे पूछे गए क्वेश्चन है। ओके, और जो भी बच्चा सही जवाब देता है वो चेक कर लेते हैं वो सब्सक्राइबर है या नहीं। ठीक है, उसने वीडियो को लाइक किया है या नहीं। जिस बच्चे ने सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, उस बच्चे को वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, तो प्लीज कर देना। ओके, और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट नोट्स अपडेट सीईटी सेल की तरफ से कुछ भी अपडेट आती है तो सबसे पहले वो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं डालता हूँ। ठीक है, वहां पे सबसे पहले आपको अपडेट पहुंचती है। PYQs वगैरह जो भी वीडियो के अपडेट्स होती है सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप पे पहुंचती है, तो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। बात करते हैं कि क्या सीईटी सेल इस बार भी कॉपी करेगा। ठीक है, कॉपी करेगा इसका क्या मीनिंग क्या है, मतलब क्या है वो समझते हैं पहले। पहली चीज तो सीईटी नए क्वेश्चन नहीं फॉर्म करता, ये चीज आपको दिमाग में बिठानी होगी। ठीक है, इतने साल की पेपर एनालिसिस के बाद इतनी चीज तो समझ गई है कि सीईटी न्यू क्वेश्चंस बहुत कम फॉर्म करता है। ठीक है, मतलब वो क्वेश्चंस आपने नहीं सॉल्व किए तो भी आप एक बेस्ट कॉलेज में जा सकते हो। जो न्यू क्वेश्चन सीईटी सेल फॉर्म करता है उनको छोड़ भी दिया तो भी, क्योंकि सीईटी सेल हर जगह से क्वेश्चन उठाता है, अगर आपने उतने कर लिए तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो सीईटी सेल कहां से कॉपी करता है चीजों को उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट बेसिक चीज होती है PYQs। PYQs पूछे गए थे लास्ट ईयर 44 मार्क्स के लिए, 22% आपके PYQs पूछे गए थे पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला के। ठीक है, सेम फॉर बायोलॉजी का भी उतना ही एवरेज बनता है। ठीक है, तो PCM मिला के 22% यानी कि 44 मार्क्स आपके PYQs से आए थे। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया PYQs कहाँ पे मिलेंगे और कितने साल के करने चाहिए। लास्ट 5 साल के PYQs आपको करके जाने हैं, आपका ऐप पे सारे फ्री मिल जाएंगे, कोई किसी को पे करने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग तो PYQs के भी पैसे मांग रहे हैं आपसे, किसी को पे करने की जरूरत नहीं, आपने फ्री डाल दिए। दूसरी चीज, अदर सीईटीज के क्वेश्चन जो होते हैं वो 18% आते हैं। 18% मतलब 36 मार्क्स, 36 मार्क्स, 44 प्लस 36 कितने हुए, 80 मार्क्स आपके यहीं पे हो गए। ठीक है, अदर सीटीज के क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो हमने मॉक टेस्ट डिजाइन किए, वहां पे सारे सीटीज के क्वेश्चन मिक्स किए गए। ठीक है, अभी बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया आप मॉक टेस्ट के बारे में क्यों बता रहे हो, आप डायरेक्ट सेपरेट दे दो ना हमें ये क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आपको सेपरेट दिए तो आपको वो एग्जाम वाली फील ही नहीं आएगी। ठीक है, ये जो मॉक टेस्ट है उसमें PYQs भी डाल दिए हमने, अदर सीटीज के क्वेश्चन भी डाल दिए, और जहां से सीटी सेल कॉपी करता है क्वेश्चन जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं वहां से भी हमने क्वेश्चन उठा के डाल दिए। तो गारंटी देता हूं कि मॉक टेस्ट में से ही आपके सवाल आने हैं सीटी में। इस बात की मतलब देखो, एक दो वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन मोस्ट सिमिलर क्वेश्चन आपके एज इट इज आएंगे। क्लियर है ना? बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा भैया आप मॉक टेस्ट का प्रमोशन कर रहे हो। बेटा मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको जहां से अच्छी मॉक टेस्ट मिले ना वहां से लगा लो, कोई नेसेसरी नहीं कि यही से लगाओ। ठीक है, लेकिन उस मॉक टेस्ट में एज इट इज सीईटी के जैसा फॉर्मेट होना चाहिए, जैसा सबमिट का बटन सीईटी में होता है वैसा ही होना चाहिए, है ना। उस मॉक टेस्ट में क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन होना चाहिए, ये सारे फीचर्स देख लेना आप मैच्योर्ड हो। तीसरी चीज, 9% जेई के सिंपल क्वेश्चन आते हैं, एज इट इज सीईटी सेल कॉपी करता है 9%। 9% मतलब 18 मार्क्स, 18 मार्क्स मतलब कितने हो गए आपके, 98 मार्क्स तो आपके यही पे हो गए, है ना, 98 मार्क्स आपके यहां से हो गए। तो सी जो जेई मेंस के आसान क्वेश्चन है वो कहां पे मिलेंगे आपको, वो भी हमने बॉक्स में डाल दिए। अगर आपको अलग से प्रैक्टिस करनी तो आप अरिहंत चूज कर सकते हो, अरिहंत में जो फर्स्ट बेसिक कैटेगरी होती है वो आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अगर आपको मॉक्स नहीं लगा रहे तो। ठीक है, उसके बाद 6% क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड से, 6% मतलब आप कंसीडर करो 12 मार्क्स, 98 प्लस 12 ज्वाइन करो कितने हुए, 110 मार्क्स, 110 मार्क्स आपके फ्री सीईटी सेल कॉपी करता है। अगर आपके 110 भी आ जाते हैं ना तो आपके 95 टू 96% बन जाते हैं, 95 से लेकर 96% में आपको एक अच्छा कॉलेज मिलता है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि टॉप कॉलेज मिल जाएगा, उसके लिए ऑब्वियसली बात है आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है,
बहुत सारे बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, तो प्लीज क्रैश कोर्स लगा लो। जिन्होंने पढ़ लिया मैं उनको बोल रहा कि मत लगाओ, ठीक है। यहाँ पे अगर मुझे मेरी चीजें बेचनी रहती ना तो मैं बोलता कि बेटा क्रैश कोर्स भी लगाओ, मॉक टेस्ट भी लगाओ। अगर आपकी पढ़ाई 80% हो चुकी है, 70% हो चुकी है, तो क्रैश कोर्स की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट मॉक टेस्ट पे जंप करो। लेकिन अगर आपकी पढ़ाई नहीं हुई है तो प्लीज पहले क्रैश कोर्स लगाओ, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना। क्लियर है? तो सीईटी सेल यही सब चीजों से कॉपी करता है, और इस साल भी सीईटी सेल कॉपी करेगा, हर साल का पैटर्न है, ठीक है। तो कॉपी करेगा तो आपको रेडी रहना है सब चीजों के लिए। क्लियर बात है? ठीक है, कुछ भी डाउट रहा आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। 110 मार्क्स आपके फ्री आने वाले हैं, ठीक है। प्लीज इन सब चीजों को नोट डाउन करो। दूसरी चीज, और एक चीज इंपॉर्टेंट सुन लो, बोनस मार्क्स वगैरह के बारे में एक अलग से वीडियो आएगा, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट कुछ वीडियोज में तुक्का स्ट्रेटेजी पार्ट टू आने वाला है, ठीक है। जो बच्चे अभी तक वीडियो देख रहे होंगे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना तुक्का स्ट्रेटेजी पार्ट टू, ठीक है। मुझे जानना है कितने बच्चे अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज कमेंट करना। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर।